राम मंदिर जितने भी श्रद्धालु गए हैं उसमें से ज्यादा तादाद साउथ इंडिया के लोगों की है। अभी जो वहां से जो डाटा निकल कर आ रहा है इसको भी हमको समझना पड़ेगा, और इसको भी समझना पड़ेगा कि जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व है। इस पर मैं लक्ष्मी जी से एक सवाल लूंगा, पर आप राजकिशोर जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब YS शर्मिला के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस अपने रॉक बॉटम पर है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल नई शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है कि जो वोट काटेगी शर्मिला, जो भी थोड़ा बहुत, वो जगनमोहन रेड्डी का काटेगी, तो उसमें टीडीपी को फायदा होगा, और यही टीडीपी की बढ़त की सबसे बड़ी वजह इस समय माना जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए, मेरे लिए दरअसल ये आंकड़े अगर मैं कहूँ जितना मैं घूम के आया, अभी चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मैंने घूमे, तो आंध्र प्रदेश में अगर देखें उसकी शासन की बात करें, हैदराबाद जाने के बाद से YSR ने जिस तरीके से राजधानियां अलग अलग की उसको लेकर जिस तरीके का उनका फाइनेंस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। उसके बाद भी अगर उनको इतनी सीटें मिल रही तो ये मानकर चलिए कि उनकी उपलब्धि ना होकर जो उनके पिताजी ने जो पूरा जो गाँव गाँव पूरा जो उन्होंने देशाटन किया था, बिल्कुल भ्रमण किया था, पदयात्राएं की थी, वो लीगेसी चली आ रही उनकी बहन के साथ। एक बात मैं बता दूं, जगन मोहन रेड्डी उससे ज्यादा यात्रा कर चुके हैं, उन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा है। लक्ष्मी इसमें सही हो या गलत है? यात्रा सत्ता में रहकर करना और सत्ता को अपने संघर्ष से हासिल करना दो अलग चीजें। सत्ता के साथ जब यात्रा करते हैं तो ये देखते हैं YSR ने जिस तरीके से तेलुगु देशम का साइबर बाबू को शट डाउन किया था वहां पर, ये मत भूलिए। ये उन्होंने गांव गांव जाकर जिस तरीके से अपने पुरुषार्थ से हासिल किया था वो YSR नहीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर, उसके बाद वहां पर लक्ष्मी कांग्रेस की सरकार बनी, और वही मेहनत उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने की अपने पिता की विरासत को आगे ले जाकर। कांग्रेस की सरकार तो YSR की थी ना, YSR कांग्रेस में थे। रखता है कि जैसे टीडीपी ने क्या किया कि तेलंगाना को लेकर समर्थन किया अलग होने राज के बाद, वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो आंध्रा के लोगों में ये नाराजगी टीडीपी के प्रति है, आज भी है, और वो दिखता है वोट शेयर में। ठीक है, देखिए प्रेम शुक्ला जी भी हमारे, लक्ष्मी जी मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और दीपल झा जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। चलिए सामने तो अभी ओपिनियन पोल शुरू किया है, प्रेम शुक्ला जी अपना आंकड़ा बता दीजिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने आंध्र प्रदेश का आंकड़ा दिखाया है और दूसरी स्टेट हमने कर्नाटक का दिखाई है, तो आपका, आप इस ओपिनियन पोल से अभी तक कितने सहमत है? अपना विज्ञान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूथ 370 से अधिक सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलना सुनिश्चित है। हमें इस बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्वप्रथा अनुच्छेद 370 का संशोधन वो साकार करने के बाद 370 सीटों के पार जाना निश्चित है। ठीक है, दीपक झा जी, दीपक झा जी, दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगा, कर्नाटका में आपकी सरकार कोई बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, आंध्र प्रदेश अभी तक आप बिल्कुल साफ है, कैसे देख रहे हैं? साउथ में, साउथ ही तो आपका एक जगह है जहां से ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि कांग्रेस परफॉर्म करेगी। दीपक जी और शोभना जी, एक पूरा देश हमारा है, पूरे देश में कांग्रेस के लिए लहर है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी लहर हमने देखा है कर्नाटक में। चश्मा नहीं लगाए, बिना चश्मा गए मतलब ये लहर तो